देखो कितना दिन तक झूठ का सहारा ले सकते हैं। अब जनता रगड़ने लगी है, अभी तो रगड़ाई ढंग से हुई, अभी तो तीनों फेज ना भइल बा, चार फेज और बाकी बा। लालू जी कह रहे अभी एकदम लाही थे, लोग ढूंढा था ईवीएम मशीनवा जल्दी मिली कि जल्दी लालटेनवा पे बटन दबाई और भाजपा के भगाई। जांच की जिम्मेवारी किसकी है? प्रधानमंत्री है, इन्फॉर्मेशन है और पब्लिकली बोल रहे हैं, चलो ठीक है, अगर इतना ही है तो जांच करा ले। कौन करेगा जांच? बोलना क्या है? अरे प्रधानमंत्री जी को बोलो ना नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में। आप मुद्दे की बात तो कर नहीं रहे, कौन क्या है क्या ये है। 10 साल यानी आपने कोई काम नहीं किया, आपको 100 में से 0 आया है, देश की जनता ने 0 दिया है, ठगा है आपने पूरे देश के लोगों को, जनता को। नौकरी हो, किसानों का आय दुगुना हो, आप बोले थे कि सबका पक्का मकान बना देंगे, आप बोले थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, आपने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए जो है वो देंगे, और आपको जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिला वो कैसे मिला? इस पे तो नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी, इसकी तो जांच नहीं करा रहे हो। तो हर कहीं देखिए, देश की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में नहीं मिलेगा, और ये कहीं अब टिक नहीं रहे चुनाव में, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो कार्रवाई तो उन्हीं को करनी है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर, पीएम के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर हिंदुओं की संख्या कम हुई है। अच्छा वाह, सेंसस कब होना था? जनगणना होना था, कब होना था? 21 में 24 आ गया, बिना जनगणना का आप रिपोर्ट दे रही है बीजेपी। बीजेपी का रिपोर्ट क्या देने का मतलब है? वही प्राथमिकता है, वही प्राथमिकता है क्या? यानी चुनाव में आप लोग क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं? अब सोच लीजिए देश के लिए कितना खतरनाक आदमी है ये। अगर ऐसी बातें हैं तो देश के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है? और आपको बता दें, मुद्दे की बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे बातों से। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो या ईसाई हो या आदिवासी हो या ST हो, जो भी इस देश का नागरिक है आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपस में बांटने का काम मत कीजिए, आप काम की बात कीजिए, नौकरी के बारे में बात कीजिए, देश में आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पे आप बात कीजिए। तो इस पे तो बात नहीं कर सकते क्योंकि 10 सालों में इन्होंने कुछ किया नहीं है झूठ बोलने के लिए।